हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। सर, आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन कितना तैयार है? हम लोग पूरा इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख से ही कि कब इलेक्शन की तारीख घोषित की जाए, और अब तो सब मैदान में चल देगा आदमी। और सर, पीएम मोदी जो हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले देशवासियों के नाम पत्र लिखे हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद हमको निरंतर मिलता रहेगा, अपनी उपलब्धियों का जिक्र किए हैं, और ये भी कहे कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे, यही मोदी की गारंटी है। मोदी जी का एक ही गारंटी है कि प्रजातंत्र और जमहूरियत में चुनी हुई सरकारों को धन बल के आधार पर पैसे से खरीदना, उनको पत्र लिखना चाहिए था यहाँ देश भर के किसानों को। उन्होंने वायदा किया था कि हम 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, आमदनी दुगनी हुई नहीं, लागत खर्च जरूर तिगुना चौगुना हो गया। तो पत्र लिख के माफ़ी मांगना चाहिए था किसानों से, पत्र लिखना चाहिए था छात्र नौजवानों को। बेरोजगारी दर आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी हम लोग बेरोजगारी दर में ऊपर चले गए हैं, इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो नौजवान बेरोजगारों को पत्र लिख के माफ़ी मांगना चाहिए था। हर घर में गृह लक्ष्मियों से जो खाना पकाती हैं उनसे पूछना चाहिए, उन गरीबों से जानना चाहिए कि किस तरह से महंगाई इस कदर बढ़ा है। पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा, कल ही मैं देख रहा था कि पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर चला गया, 108 जो भी हो। तो उनसे पत्र लिख के माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मुद्दे क्या क्या रहेंगे आप लोग के साथ चुनाव को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई का, सबसे बड़ा मुद्दा है जमहूरियत और इस संविधान बचाने का कि किस तरह से। यहीं बिहार विधानसभा में मैं देखा कि पहले तो 2/3 उसका एक कानून बना हुआ है, पार्टी की 2/3 अगर एक साथ पार्टी टूटती है तो उसकी एक संख्या निर्धारित है, लेकिन बिना संख्या पूरा किए हुए इस साइड से लोग और सरकारी पक्ष में जाके बैठ जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग तमाशा देखते हैं और ताली बजाते हैं। विधानसभा और लोकसभा वो जगह नहीं है जहाँ इस तरह का काम हो, हॉर्स ट्रेडिंग का काम हो। और सर, आप अध्यक्ष हैं, आपको पार्टी को बिहार में चुनाव भी लड़ाना है, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक सामने आ जाएगा? पिछली बार आप लोग 9 सीट पे लड़े थे 2019 में। नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हुआ है, तो अब आज तारीख घोषणा हो जाए उसके बाद जल्दी जल्दी ये भी एक दो दिन में हो जाएगा। आखिरी सवाल, पारस जी NDA में नाराज बताए जा रहे हैं, क्या उनके लिए जगह है महागठबंधन में अगर आना चाहें? नहीं, इस सवाल का निश्चित उत्तर आपको बड़े लोग दे सकते हैं। मेरा काम बिहार का है और बिहार कांग्रेस का काम मैं देखता हूँ। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए हमसे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। और जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि बिहार में लोकसभा की जो 40 सीटें हैं उसमें 28 सीटों पर RJD, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है, 2 सीटों पर CPIM लड़ सकती है और 1 सीट CPI को दी जा सकती है बिहार महागठबंधन में। तमाम मसलों पर हम बातचीत कर रहे थे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अखिलेश सिंह से। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News, पटना।